में एक परंपरा रही है किसी के ऊपर छोटा सा आरोप, बेबुनियाद आरोप भी लगा है, तो नैतिकता का तकाजा दिखा देते हुए वो लोग अपने पद से इस्तीफा देते रहे। ऐसे व्यक्ति ने जो जिसने कहा कि मैं ईमानदारी कट्टर ईमानदार हूँ, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा। ईमानदारी की जो किताब होती है ना उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। क्या ये प्रैक्टिकली और लीगली पॉसिबल है, संभव है, वो जेल में रह करके सरकार चलाएंगे? शायद बेहतर ही होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दे, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर दिल्ली का शराब घोटाला दरअसल है क्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि पूरा मामला अब चला गया अदालत में। यह अदालत को तय करना है कि सही है कि गलत है, केजरीवाल जी ने पैसे लिए नहीं लिए, यह अदालत तय करेगा, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वह मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। भारत में एक परंपरा रही है किसी के ऊपर छोटा सा आरोप, बेबुनियाद आरोप भी लगा है, तो नैतिकता का तकाजा दिखा देते हुए वो लोग अपने पद से इस्तीफा देते रहे। और मैंने अपने ट्वीट में कई कहानियां बताई। अभी हाल में जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जब आरोप लगा तो वो गिरफ्तारी से पहले वो रिजाइन करते हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी का हमको 2011 से लेकर 14 के बीच जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था जिनकी तरफ से, और हम लोग उस समय टेलीविजन पर इनके सारे आरोपों को बहुत बढ़िया से झेलते थे और परेशान हो जाते थे, ऐसे व्यक्ति ने जो जिसने कहा कि मैं ईमानदारी कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा। ईमानदारी की जो किताब होती है ना उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर इंसानियत के नाते और भारतीय राजनीति में नैतिकता बची रहे इस आधार पर हमारी ऐसी अपेक्षा होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी, क्या यह संभव है? एक व्यक्ति जब जेल में जाता है तो वो सजा भोगता है, जब सजा भोगता है तो उसको एक खास तरीके से एक जेल के मैनुअल के अंदर काम करना होता है। क्या ये प्रैक्टिकली और लीगली पॉसिबल है, संभव है कि वो जेल में रह करके सरकार चलाएंगे? इसलिए मेरा मानना है एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए इसमें वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं, और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहती वो जाने। मैं तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि शायद बेहतर ही होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दें, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर है, वो किस तरह चलाना चाहते हैं क्या नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल साहब का क्या निर्णय होता है इस पे। सर, भारतीय राजनीति का एक आधार होता है, वो आधार क्या कहता है, परिपाटी क्या है भारतीय राजनीति का? नहीं, भारतीय राजनीति में तो ये भी परिपाटी है कि किसी पर अगर रेप का केस लगता है तो उसको हटा दिया जाए, किसी पर अगर औरतें कहती हैं कि हमारे ऊपर अब्यूज का केस है तो उन पर केस हो, वो भी तो परिपाटियाँ थी, उसको तो बीजेपी कभी याद नहीं रखती है। तो जो पार्टी खुद सारी परिपाटियाँ तोड़ रही है,
जिसको किसी भी चीज़ के किसी मॉरल स्टैंड का या नैतिक स्टैंड का कोई लेना देना नहीं है, उसके पास कम से कम कोई अधिकार नहीं है कि किसी और की नैतिकता पर सवाल उठाएं।